क्लास थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश मैरीगोल्ड कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम यूनिट वन का चैप्टर सेकंड द मैजिक गार्डन एक स्टोरी है, हमने इसकी स्टोरी रीड कर ली थी, इसके न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग कर लिए थे। आज हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले क्या है, देखो, रीडिंग इज फन। इसमें है व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, जो फूल थे वो बच्चों से प्यार क्यों करते थे। तो हम लिखेंगे द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द लिटिल यूज टू टेक केयर ऑफ देम, बच्चे थे फ्लावर्स की देखभाल करते थे। तो हमने इतना लिख दिया। यदि हम इसको और आंसर को आगे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं दे यूज टू वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड डिग द ग्राउंड वेल, कि बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और उनकी जो प्यासी जड़ें थी उनको पानी देते थे और मिट्टी को अच्छा खोदते थे। व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, पक्षियों को बच्चों से प्यार क्यों था, पक्षी क्यों करते थे बच्चों से प्यार, क्योंकि बच्चे पक्षियों के लिए ब्रेड लाते थे। द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में जो फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे उनमें से किसी किन्हीं भी फाइव फ्लावर्स की नेम लिखना है। तो हम लिख देंगे सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स, रोजेज, पॉपीज एंड पैंसीज। व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। देखो, गार्डन में बच्चे कौन सी आवाज़ सुन सकते थे। बच्चे परियों के गाने को सुनते थे ना, तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन कुड हियर द फेरीज सिंग सॉन्ग्स इन द गार्डन। जो परियां गाना गाती थी ना, उनको केवल बच्चे ही सुन सकते थे और कोई नहीं सुन सकता था, इसीलिए उस गार्डन को मैजिक गार्डन बोला गया है। टॉक टाइम रोजेज, ये एक लिटिल स्टोरी है रोज पर। देखो, ये है रेड रोजेज। आई लाइक रोजेज, मुझे गुलाब पसंद है या मैं गुलाब पसंद करता हूँ। मोस्ट रोजेज आर रेड, ज़्यादातर गुलाब लाल रंग के होते हैं। सम आर वाइट, कुछ सफ़ेद होते हैं। सम आर येलो, कुछ पीले होते हैं। आर देयर ब्लू रोजेज, क्या नीले गुलाब हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज, मैंने कोई नीले गुलाब नहीं देखे। देखो, वाइट, येलो और रेड ये गुलाब मिल जाते हैं, बट ब्लू कलर का रोज जो है अभी तक हमने नहीं देखा है। विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, कौन सा फ्लावर आपका फेवरेट है। लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश, हमें उस फ्लावर का नाम इंग्लिश में लिखना है। तो आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हैं। इसे हम लिख देंगे माई फेवरेट फ्लावर इज रोज। अब रोज जो है वो इंग्लिश नेम है और हिंदी में रोज को गुलाब बोलते हैं। से अलाउड, अब हमें क्या करना है, यहाँ ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा जोर से बोलना है, इसलिए ताकि हमें इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ जाए। तो लिटिल पीपल पर्पल, हैप्पीली स्लीपली प्राउडली, स्लीपरी थर्स्टी प्रिटी, टीम टाइम एक्टिविटी है ये, मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। हमें क्या करना है, फ्लावर्स की एक स्क्रैप बुक बनानी है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम जो फ्लावर्स लगे हुए हैं गार्डन में उसमें से हम फ्लावर्स को तोड़ के लाएंगे, जैसे ये हैं फ्लावर्स, ठीक है। फिर इनको हम एक मोटी बुक होगी, एक बुक होगी, उस बुक के अंदर फ्लावर को अच्छे से रख देंगे और बुक बंद कर देंगे। फिर इस बुक के ऊपर हम कोई हैवी वेट या कोई मोटी बुक रख देंगे। तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, वो जो फ्लावर है वो सूख जाएगा, ठीक है। फिर हमें उस फ्लावर को अपनी स्क्रैप बुक में बहुत अच्छे से संभल कर चिपका लेना है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे बताया है। कलेक्ट फाइव फ्लावर्स, आपको फाइव फ्लावर कलेक्ट करने हैं। आप कोई से भी फ्लावर ले सकते हो, इस हमारे इस गार्डन में जिन फ्लावर्स की बात की गई है इसमें वही फ्लावर लिए हैं। देखो, ये है हिबिस्कस, गुड़हल होता है, ये रोज गुलाब, सनफ्लावर सूरजमुखी, ये पैंसी और ये
पॉपी। तो ये फाइव फ्लावर हमने ले लिए, हम इनको इस तरह से ही कट करेंगे कि उसमें फ्लावर होगा, एक दो कोई लीफ होगी और ये स्मॉल इसका स्टेम होगा। ठीक है, जैसे इसमें एक लीफ है, इसमें एक लीफ है, इसमें थ्री लीव्स हैं, तो एक लीफ तो होगी तभी हमारा फ्लावर अच्छा दिखेगा। सेकंड स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप में फ्लावर कट कर लिए, अब सेकंड स्टेप है पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। एक पुरानी बुक है, ये इसने बुक ले ली, इस बुक में इसने फ्लावर को इस तरह से रख दिया है, देखो ठीक है, ये इसने टेप चिपका दिया है, एक हल्का सा टेप यहाँ चिपका देंगे और फ्लावर को इस तरह से जैसे इस डायग्राम में दे रखा है ऐसे रखेंगे और फिर बुक को बंद कर देंगे। ऐसे ही जिस तरह से ये रखे हैं ना फ्लावर, इस तरह से ही रखेंगे। थर्ड में क्या है, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज। ये वाली बुक थी जिसमें हमने फ्लावर रखा है, ये नीचे बुक है, इसके अंदर रख दिया, इसको क्लोज कर दिया, बुक को बंद करने के बाद उसके ऊपर ये हैवी वेट रख दिया, मोटी मोटी बुक रख दी है। अब क्या है देखो, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। अब इसके अंदर जो बुक है देखो इसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स, अब ये जो फ्लावर्स हैं हम इसमें से बुक में से निकाल के अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसने टेप लगा दिया है, तो ये हमारी फ्लावर्स की स्क्रैप बुक बन गई। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, हमने जो जो फ्लावर इसमें लगाए हैं हम उन सभी फ्लावर्स के नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ ये रोज़ है, ये सनफ्लावर हो गया और ये रोज़ हो गया। ठीक है, देखो ड्राई होने के बाद में रोज़ का कलर चेंज हो गया, यहाँ ये जो रोज़ था वो फ्रेश है, यहाँ ये ड्राई हो गया है तो इसका कलर चेंज हो गया है और ये इस तरह से दिखेंगे हमारे और बन गई हमारी स्क्रैप बुक। तो ये आप करके देखेंगे, आप एक फ्लावर से करके देखना तो आपको ये जो एक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वर्ड बिल्डिंग, नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन गार्डन। ये फ्लावर है, फ्लावर में फाइव पेटल हो गई, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इस पेटल में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ इंसेक्ट है, ये ट्रीज, ये बर्ड्स, टूल्स और फ्लावर्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो एवरी पेटल पर जो लिखा हुआ है हमें उसके बारे में टू वर्ड्स लिखना है जो हमने गार्डन में देखा है। तो इंसेक्ट, हमने गार्डन में कौन से इंसेक्ट्स देखे हैं, हमने देखा है बीज और बटरफ्लाइज, आप कोई और भी ले सकते हो यदि आपने देखा है तो। ट्रीज, गार्डन में कौन कौन से ट्री लग रहे हैं, नीम ट्री, गार्डन में स्मॉल फ्लावर्स भी होते हैं, बड़े बड़े ट्री भी होते हैं, तो हम लिख देंगे नीम ट्री, अशोक ट्री, और भी लिख सकते हो आप, मैंगो लिख सकते हो। फ्लावर्स, फ्लावर्स में कौन से लग रहे हैं, सनफ्लावर लग रहा है, रोजेज। टूल्स, टूल्स यानी एक ऐसे औजार होते हैं जिनसे हम बगीचे में काम करते हैं, तो जब गार्डन है तो गार्डन में कोई ना कोई टूल्स होगा, क्योंकि जो गार्डनर होता है वो टूल्स की हेल्प से प्लांट्स की जो मिट्टी होती है उनको देखभाल करता है। तो हम लिख देंगे स्पैड यानी कुदाल और ग्रास कटर, जैसे कि घास कटिंग की जाती है। बर्ड्स, बर्ड्स हमने कौन कौन से देखी है, स्पैरोज और पैरट, स्पैरो चिड़िया होती है, पैरट तोता होता है। लेट्स राइट, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, यह गार्डन कैसा दिखेगा। ड्रॉ अ पिक्चर हेयर, उसका आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर देना है। तो ये गार्डन कैसे दिखेगा, हम इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं और हम उसका यहाँ पर डायग्राम बना देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें, माई गार्डन विल लुक वेरी ब्यूटिफुल, इट विल हैव सेवरल फ्लावर्स, roses, marigolds, sunflowers, etc. It will have trees, mangoes, guavas. It will be very clean and full of greenery. हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, इस तरह से आप भी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे कि आपने इमेजिन किया है आप कैसा बगीचा देख रहे हो। What would you like to grow in your garden? आप अपने बगीचे में क्या उगाना चाहोगे।
राइट 3 सेंटेंसेस गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आप अपने गार्डन में जो फ्लावर्स उगाना चाह रहे हो ऐसे 3 फ्लावर्स के नाम आपको बताना है। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर, मैं मेरे गार्डन में सूरजमुखी उगाना पसंद करूंगा। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस, मैं गुलाब उगाना पसंद करूंगा। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरीगोल्ड, मैं गेंदा उगाना पसंद करूंगा। तो ये हमारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यूनिट 1 का द मैजिक गार्डन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।